विराट कोहली और गौतम गंभीर के बीच मैच के बाद एक्चुअल में हुआ क्या था, इसका खुलासा हो गया है। दरअसल न्यूज एजेंसी पीटीआई ने इसका खुलासा किया है। हमने और आपने जैसे कि टीवी पर देखा, कुछ विजुअल्स सामने आए कि विराट कोहली और कायल मेयर्स कुछ मीटर तक मैच के बाद एक साथ चलकर जाते हैं, कुछ बातचीत उनके बीच होती है, तभी वहां पर गंभीर एंटर करते हैं और वे कायल मेयर्स को विराट कोहली से बातचीत करने के लिए मना करते हैं और अपने साथ एक तरफ ले जाते हैं। इसके बाद विराट कोहली कुछ कॉमेंट करते हैं और उसके बाद गंभीर और विराट के बीच कुछ जो जुबानी जंग है वो देखने को मिलती है, जैसे कि हमने और आप सब ने टीवी पर विजुअल्स देखे, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि एक्चुअल में हुआ क्या था। तो अभी न्यूज एजेंसी पीटीआई ने इसका खुलासा किया है। तो जब कायल मेयर्स और विराट कोहली आपस में बातचीत कर रहे थे, उनमें ये बातचीत हुई थी कि कायल मेयर्स ने विराट कोहली से पूछा कि आप खिलाड़ियों को लगातार गाली क्यों दे रहे थे। इस पर विराट ने कहा कि खिलाड़ी भी तो मुझे लगातार घूर रहे थे। जैसा कि हमने देखा, नवीन उल हक कुछ देर तक विराट कोहली को घूरते हुए नजर आए, अमित मिश्रा, विराट कोहली और नवीन उल हक के बीच जो लखनऊ का 17वां ओवर था उस दौरान कुछ जंग हुई थी, जुबानी कुछ देखने को मिली थी, आपस में अदला बदली हुई शब्दों की, और उसके बाद जो है पूरा अटेंशन विराट कोहली, नवीन उल हक और अमित मिश्रा पर चला गया। उसके बाद मैच खत्म होता है और विराट कोहली और गौतम गंभीर के बीच एक बहस होती है। तो गौतम गंभीर जब कायल मेयर्स को विराट कोहली से दूर ले जाते हैं, उसके बाद विराट कोहली कुछ कमेंट करते हैं और उसके बाद गंभीर जो हैं विराट कोहली से इस मैटर पर जो कहते हैं वो मैं आपको एक बार पढ़ के बता देती हूँ। गौतम गंभीर विराट से कहते हैं कि क्या बोल रहा है, बोल। इस पर विराट कोहली ने कहा कि मैंने आपको कुछ नहीं बोला, आप क्यों घुस रहे हैं इस मैटर में। इसके बाद उन्होंने बोला कि तूने अगर मेरे प्लेयर को बोला है, यानी कि गंभीर बोलते हैं विराट को कि तूने अगर मेरे प्लेयर को बोला है तो मतलब तूने मेरे परिवार को गाली दी है। इस पर विराट जवाब देते हैं कि तो आप अपने परिवार को संभाल कर रखिए। इस पर फाइनली गंभीर कहते हैं कि क्या अब तू मुझे सिखाएगा। तो गौतम गंभीर और विराट कोहली के बीच ये आखिरी फाइनल बातचीत थी। यही जो चीज़ें हैं वो निकल कर अब सामने आई है। विजुअल सबने देखे, लेकिन ये नहीं पता किसी को कि हुआ क्या था। अब ये जो मुद्दा है, इस पर लोगों की जो राय है वो बटी हुई है। कुछ लोगों का कहना है कि इतने सीनियर प्लेयर्स होकर इस तरह की बचकानी हरकत नहीं करनी चाहिए थी, चाहे वो विराट कोहली हो चाहे वो गौतम गंभीर हो। लेकिन ये मैटर जो है एक्चुअल में पिछला जो मैच हुआ था बैंगलोर और लखनऊ के बीच, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के घर में, वहाँ पर बैंगलोर की हार के बाद ही शुरू हुआ था, जब गौतम गंभीर ने अपने डगआउट के साथियों के साथ जो आक्रामक रूप से एक जश्न मनाया था। उसके बाद जो है इस मैच में भी आरसीबी की तरफ से लखनऊ के घर में उसी तरह का एग्रेशन देखने को मिला। तो फैंस की भी इसमें दो राय है, फैंस भी बटे हुए हैं। एक तरफ गौतम गंभीर के फैन है, एक तरफ विराट कोहली के फैन है, और जो चीज़ें हैं वो सोशल मीडिया पर अलग तरह से ट्रेंड हो रही हैं, कुछ फेवर में है कुछ फेवर में नहीं है। फैंस अपनी राय रख रहे हैं और एक्सपर्ट्स जो हैं वो अपनी तरह की राय शेयर कर रही हैं। लेकिन इस बीच जो एक बड़ा मुद्दा था कि गौतम गंभीर और विराट कोहली के बीच बातचीत क्या हुई थी, वो सब लोग जानना चाहते थे। तो इस पर ये इस तरह का खुलासा अब हुआ है। वेल, इस मैटर पर आपकी क्या राय है आप कमेंट सेक्शन में हमारे साथ साझा जरूर कीजिएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाकी की अपडेट्स के लिए देखते रहिए एनडीटीवी स्पोर्ट्स।